सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी तीनों कृषि विधेयकों को निरस्त करवाने के लिए राज्य भवन के समक्ष सर्वदलीय महाधरना किया गया। इस महाधरने का समर्थन करने कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, भाकपा माले सहित अन्य पार्टियां भी शामिल हुई। मौके पर आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास मंत्री राजेश ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुप्रीमो भट्टाचार्य, जेएमएम महासचिव भी मौजूद रहे। आप खुद ही सुनिए। जिस प्रकार से ये देश पिछले 7 वर्षों में कॉरपोरेट गुलामी की तरफ बढ़ा है, उसके खिलाफ अब लोग त्रस्त हो चुके हैं, चाहे वो रसोई का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो। एक व्यक्ति यदि एक छोटी सी भी गाड़ी खरीदता है, चाहे वो 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर, तो पहले रजिस्ट्रेशन के साथ में टोल टैक्स, फिर पेट्रोल भराएगा तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का टैक्स, फिर रोड पे चलेगा तो उस पर टोल टैक्स। तो इस तरह से लोगों को जो समाप्त करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ अब लोगों ने मन बना लिया है इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, कॉरपोरेट राज को समाप्त करने के लिए। और हम लोगों ने पहले ही कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद ब्रिटिश राज आया था, लेकिन अब पहले भाजपा का राज आया, उसके बाद वेस्ट इंडिया कंपनी आई। वेस्ट इंडिया कंपनी अदानी और अंबानी का है, जो गुजरात का। आप देख रहे हैं कि कोल कंपनियों में लगातार आउटसोर्स। देखिए, जो लोग विस्थापित हुए थे उनको इंदिरा जी ने एक बहुत बड़ा सहारा दिया था, कोल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके, जो निजी मालिक थे वो राष्ट्रीयकरण करके रोजगार की गारंटी दी थी। धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त होती जा रही है कहीं ना कहीं, इसलिए बार बार विस्थापन का मुद्दा उठता है। लगातार जिस तरह से लोग विस्थापित हो रहे हैं, और उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार इसलिए है कि जब उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, कहीं कुछ मुआवजा मिलता है, कहीं कुछ मुआवजा मिलता है। केंद्र सरकार ने सभी जो संवैधानिक संस्था है उसको पंगु बनाने का काम किया है, उसका गलत इस्तेमाल करती है। आप देख रहे हैं किस तरह से ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल होता है, वो झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पूरा देश हो, इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। किसानों पर किस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। हम समझते हैं कि इन्हीं सारी बातों को लेकर के आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बैठक बुलाई थी, वर्चुअल बैठक थी, उसमें आदरणीय हेमंत सोरेन जी शामिल हुए थे और तमाम 19 दलों के लोग शामिल हुए थे, जिसमें ये फैसला हुआ था कि हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार जो कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है उसको जगाने का काम करेंगे। हम समझते हैं ये शुरुआत है, आने वाले समय में 2024 तक हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस तरह से हमने 4 दलों ने मिल करके पटकनी देने का काम किया था और सत्ता से सड़क पर रघुवर दास को लाने का काम किया था, हम समझते हैं कि अब तो हम 19 दल हैं, अब तो केंद्र सरकार को भी सड़क पर लाने का काम करेंगे। लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ट्रस्ट से मस्त नहीं हो रही है। किसानों के आंदोलन को उतना गंभीरता से नहीं लिया। ये तानाशाही सरकार है, इसको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान जो है प्रजातंत्र देश है, जन जन की आवाज़ जो है वो आवाज़ कोई भी सरकार रहे गंभीरता से उसको सुने और उसका निष्पादन करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के तमाम हिंदुस्तानी के लिए कि 10 महीना से लगातार किसान ने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करीब करीब बहुत ढेर सारे लोगों का इस पर इस धरना प्रदर्शन क्रम में मौत भी हुई है, नहीं कि उसका भी कोई संज्ञान नहीं है। और ये देखिए, ये सुनियोजित तरीका से इन्होंने किसान विरोधी जो बिल लाया है, जिसको हम बोलते हैं कि काला कानून है, जब ये बिल लाए 2019 में, जहाँ तक मुझे 2019 में, 2017-19 से ही ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम किया। आज भी ये जग जाहिर है कि उन्होंने बड़ा बड़ा गोडाउन बनाया है, अंबानी अदानी का रेलवे लाइन बिछाया है और उसके बाद काला कानून है। जो हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों लोग जो मंडी में काम करते थे, जो मंडी को चलाते थे, उसमें जो हमारे यहाँ जो मजदूर थे जो लिफ्टिंग करते थे, माल को उतारते थे और ऊपर ले जाते थे, ट्रक में रखते थे, वैसे लोगों का क्या होगा। और मंडी नहीं रहने के कारण एक जगह अगर अनाज होल्ड हो जाता है तो सरकार कभी भी इसको दबा कर उसका मूल्य वृद्धि कर सकता है। महंगाई चरम पर है, आज पेट्रोल, डीजल और क्या बोलते हैं गैस सिलेंडर के हम बात करते हैं। तो जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने किस एजेंडा पर बात किया था,
सिलेंडर का दाम ज़्यादा, सरकार चलाना नहीं आता, तुमने क्या किया? 390 का सिलेंडर को 1200-1100 रुपये ले गया, तुमने 60 रुपया पेट्रोल के दाम 100 रुपया ले कर गया। तो ये सरकार हर तरह से विफल है और किसी भी तरह इसको सराहा नहीं जा सकता है। इसीलिए हमारी 19 जो गांवारी पार्टी है गठबंधन में, सारे लोग का यही मांग है कि मोदी किसानों की समस्या समाधान करे, महंगाई पर नियंत्रण लाए। यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात हम करते हैं, यहाँ वैक्सीनेशन मिल जाएगी, वैक्सीनेशन सही समय पर दे, डबल डोज सबको मिले, इसी के लिए हम लोग आंदोलन। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे थे दृष्टि नाउ।